हेलो गाइस, आज हम लोग देखने वाले हैं कि कैसे आप अपने ब्लॉगर को एकदम मस्त सा लुक दे सकते हैं, जो कि आपके यूआई यूएक्स जो हैं, डिज़ाइन जो हम लोग बोलते हैं, वो एकदम ऑसम होने वाली है। जो फ़ोन में भी आपको एकदम मज़ा आ जाएगा उसको वेबसाइट्स को चलाने में ही, और उनकी जो स्पीड होगी ना वो मिनिमम रखेंगे, ठीक है। मतलब मैं आपको बता दूंगा कि कौन सा ब्लॉग का स्पीड कितना आएगा। तो स्पीड टेस्ट हम लोग खैर एक एक करके बाद में भी कर सकते हैं, क्योंकि ये वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए। पहले हम लोग डिज़ाइंस देखते हैं और चलिए आते हैं पीसी की ओर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सबसे पहला जो थीम है उसका नाम है ब्लेंडर टोकोसाइट ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री डाउनलोड करके, ये नाम है, ठीक है। और ये सारी थीम जो है मैंने yulattethemes.com से है। तो बिग शॉर्ट आउट टू दिस डोमेन, ओके, यू आर डूइंग ग्रेट जॉब। नाउ तो सबसे पहले जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला थी एकदम, इसका हम लोग डेमो ही चलते हैं सीधा। डेमो लिंक का है ये रही। सो इंडोनेशियंस है, आपको अगर थीम एडिट करना आता है तो थीम में एडिट में जाएंगे तो उधर आपको लैंग्वेज में इंडोनेशियन की होती है आई गेस IN, ठीक है, उसको आप चेंज करके EN कर लेना अगर आप इंग्लिश में ब्लॉग लिखते हैं तो, नहीं तो गूगल सर्च में आपको दिक्कत हो सकती है। तो और ये ट्रांसलेट का ऑप्शन भी बार बार आएगा, इसको ऑफ करने का भी एक तरीका होता है, वो भी हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं एकदम ऑसम सा ब्लॉग है एक्चुअली ये। मेरे ख्याल से ई कॉमर्स वेबसाइट है ब्लॉगर में, ना 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 ना, ई कॉमर्स वेबसाइट ब्लॉगर में पॉसिबल नहीं है, वर्डप्रेस में ज़्यादा अच्छे से होता है। शॉपिंग कार्ट सब टोटल रुपीस चेकआउट, नहीं ई कॉमर्स वेबसाइट का टेम्पलेट है, आई डोंट नो ये काम करता है कि नहीं, बट सॉरी। नेक्स्ट चलते हम लोग दूसरे ब्लॉग में फिर। तो ये है जोगो मैग ब्लॉगर टेम्पलेट फ्री प्रीमियम फ्री डाउनलोड, ओके, और इसका डेमो लिंक है ये। तो ये रहा मस्त न्यूज़ वेबसाइट के लिए। सबसे पहले आपको अगर आपकी न्यूज़ वेबसाइट है तो ये बहुत अच्छा है, हेडलाइन आपको ऊपर में ही दिखाएगी। सिंपली यहाँ पर आप देख सकते हैं कितना क्लीन UI है, एकदम मस्त राउंडेड शेप में हर फोटोज़, ये सब बहुत एक एक चीज़ असर करती है UI में। ये राउंड कॉर्नर्स भी थीम को और बेटर बनाते हैं, और मेरे हिसाब से बहुत अच्छी है ये अगर किसी को लगाना है तो। इससे अच्छी भी दिखाऊंगा, लेकिन अगर आपको न्यूज़ वेबसाइट्स है सो आई विल प्रेफर कि ये एक बहुत अच्छा आपके लिए, टेक या न्यूज़ वेबसाइट दोनों के लिए आपके लिए बेस्ट टेम्पलेट है, ठीक है। इसको हम लोग सेव कर लेते हैं, एक सेकेंड, जस्ट नोट पैड। और पहला है ये जोगो मैक ब्लॉगर, जस्ट अ सेकेंड ना, मैं माइक पकड़ा क्यों, लगा लेता हूँ। या तो ये रहा इसका नाम, इसकी डाउनलोड लिंक कहाँ है ये। तो ये था हमारा पहला, ज़्यादा टाइम हो जाएगा पर ठीक है, चलो चलता है इतना। क्या है, मैं चाहता हूँ कि मेरे व्यूवर्स कम से कम टाइम में सब कुछ जान ले, इसलिए ठीक है। सेकेंड इज क्विक मैग। नाउ ये जो है ये भी न्यूज़ के लिए ही है, ठीक है, बट इसका जो डिज़ाइन है वो थोड़ा अलग है। इसका भी डेमो देख लेते हैं, पहला वाला ख़त्म हो गया। ये रहा एकदम क्लीन डिज़ाइन है, ठीक है, मतलब देख सकते हो एक अलग से यहाँ पर आपको डाउनलोड दिस टेम्पलेट का ऑप्शन भी है, यह आपको हटाना पड़ेगा अपने ब्लॉग के लिए। बट जैसा कि मेरे हिसाब से दिस इज़ एन क्लीन डिज़ाइन, हम लोग इसको फ़ोन में भी देखेंगे, उस वाले को देखना भूल गया उसको भी देख लेंगे। सो ये रहा फ़ोन में, इसको रिफ्रेश करना पड़ेगा। सो या ये रहा फ़ोन का डिज़ाइन, देख सकते हैं एकदम क्लीन है, ट्रेंडिंग पोस्ट,
एक एक हर एक दिखेगी, वर्ल्ड न्यूज़, लेटेस्ट न्यूज़, लेबल्स, जस्ट अ क्लीन यूआई। ठीक है, ये अभी तो चालू हुआ है, अभी तो और क्लीन यूआई आपको दिखेंगे। ठीक है, मज़ा ही आ जाएगा। सो ये था क्विक मैक, इसको भी हम लोग सेव कर लेते हैं, इसकी डाउनलोड लिंक आपको दे दूंगा। क्विक मैक ब्लॉगर फ्री डाउनलोड, दिस इज मीडिया फाइल लिंक, जस्ट सेकेंड। ओके, सिर्फ लिंक क्यों कॉपी हुई? ये था सेकेंड थीम। नाउ चलते हैं फ्लेट्रो लाइट 5.4, बेस्ट ब्लॉगर टेम्पलेट। अगर आपको अपनी रीलोड स्पीड एकदम हाईएस्ट रखनी है, यानी टैप करते ही आपकी वेबसाइट्स आराम से लोड हो जाए, दिस इज़ द टेम्पलेट। लाइट वर्जन है इसका, और अच्छा वर्जन भी है। ठीक है, इसका डेमो चलते हैं। तो ये रहा उसका डेमो, देख सकते हैं कितना क्लीन यूआई है, यूज़र इंटरफेस। यानी अगर आपका पर्सनल ब्लॉग है, आप कुछ खुद से आर्टिकल्स लिखते हैं और यहाँ पर आप इससे पैसा कमाना चाहते हैं, और मैं आपको बता दूँ इस थीम में, और मैं बहुत सारी थीम आगे जो हैं उसमें एड्स के कस्टमाइज़ करने के लिए बहुत अच्छे ऑप्शन है। लेआउट में आपको ज़्यादा कोई टेंशन लेनी ही नहीं है, उस पर पहले से कॉलम्स अच्छे से बने हुए हैं। तो ये आपका पर्सनल ब्लॉग है, बेस्ट। कोर्स डाउनलोड ब्लॉग है, बेस्ट। थीम ब्लॉग है, ब्लॉगर टेम्पलेट है, ये सब के लिए आपके लिए बेस्ट थीम है ये सब। ठीक है, न्यूज़ वगैरह के लिए ये सब प्रेफर नहीं करूँगा मैं, न्यूज़ इसमें डालेंगे तो मज़ा नहीं आएगा। बट हेल्थ, ठीक है, हेल्थ हो गई, या आप कुछ हेल्थ हो गया, पर्सनल ब्लॉग हो गया, टिप्स ट्रिक्स, ऐसे थोड़े बहुत ब्लॉग्स होते हैं जो नॉर्मल, उसके लिए बेस्ट है। इसका फ़ोन वर्जन भी देखेंगे तो आपको बहुत औसम लगेगा, देख सकते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें डार्क मोड नहीं है, हम लोग एक और देखेंगे फ्लेट्रो का वर्जन, उसमें डार्क मोड भी है। आई गेस इसमें है क्या? नहीं, इसमें नहीं है, बट आगे जो देखेंगे उसमें है। देख सकते हैं कितना क्लीन यूआई है, मतलब लोगों को चलाने में भी मज़ा आता है। जितना ज़्यादा आपकी वेबसाइट क्लीन रहेगी, उतना ज़्यादा लोग इंटरेक्ट करेंगे, उतना ज़्यादा आपका इंप्रेशंस होगा, उतनी ज़्यादा आपकी कमाई होगी, दैट्स इजी। तो इसका लिंक भी कॉपी करते हैं। और आप कमेंट में बताना प्लीज़ कि आपको कौन सा बेस्ट लगा, ताकि दूसरे जो हैं वो आपका कमेंट पढ़ के जान पाएंगे, उनको भी वो मतलब कैसा लग रहा है। ठीक है, ठीक है, 5.4 ख़त्म हो गया फ्लैट्रो का। ना फ्लैट्रो प्रो कॉलम 3 5.4 वर्जन, ये प्रो वर्जन है। ठीक है, 3 कॉलम की वेबसाइट है, सिंपली इसमें लिखा है। चलिए इसका भी यूआई देखेंगे। ये फ्लैट्रो मतलब ये जो है ना, एक्चुअली इसको कौन बताया बनाया है ये भी मेरे को पता है, जागो डिज़ाइंस, जागो डिज़ाइंस, बट हम ठहरे इंडियंस, हम क्यों पैसा देंगे। ठीक है, तो ये प्रीमियम टेम्पलेट्स हैं सारे, इसने डिज़ाइन किए हैं। ठीक है, बट लोग उसको ऑफ कोर्स ली, आजकल तो सब कुछ मिल जाता है यार फ्री में, तो वैसे लेना नहीं चाहिए, बट पैसे नहीं है तो क्या करें। ठीक है, मेरे को पता था, मैंने इसको यूज़ किया अपने। ठीक है, तो इसका भी डेमो देखना था, 3 रो का, चलते हैं। तो ये रहा 3 रो का फ्लैट्रो प्रो, 3 कॉलम है सिंपली, आप देख सकते हैं। बट ब्लॉगर में 3 कॉलम रहना थोड़ा सा मतलब आप उसको हैंडल नहीं कर सकते ब्लॉगर में। ठीक है, तो उतना ज़्यादा ये हेल्पफुल नहीं है 3 कॉलम। सो आई विल नॉट रिकमेंड दिस, बट दिस इज़ एन ऑप्शन फॉर यू। इसकी भी लिंक हम लोग डाल देंगे। मैंने डाल दी क्या? 1 2 3 लाइन लाइट की डाली है ना, तो चलिए इसका भी डाल देता हूँ, किसी को अगर पसंद आ गई हो, और फिर बाद में बोलेगा भाई तुमने तो लिंक ही नहीं दिया, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। हाँ, और मुझे पता है ये वीडियो बहुत कम लोग देखने वाले हैं, तो इसलिए मैं खुल के बात कर रहा हूँ, नहीं तो अच्छे से वीडियो बनाते।
नाउ ओरिजिनल फ्लैटरो प्रो 5.5 ब्लॉगर दैट इज अमेजिंग. यू कैन जस्ट सी दिस. ओके, इसको इसकी लिंक कहाँ दिया है उसने, लाइव प्रीव्यू देख सकते हैं. ये वाला जो है ये लाइट से अलग क्यों है, क्योंकि इसमें डार्क मोड है. डार्क मोड में जावास्क्रिप्ट बहुत ज़्यादा यूज़ होती है, ठीक है, इसलिए ये थोड़ा सा उससे अलग भी है लाइट से, ठीक है. और अगर किसी को अपने में डार्क मोड चाहिए अपनी वेबसाइट में, दिस इज़ अ बेस्ट थीम. इससे आगे भी है, ठीक है, बट ये वाली जो है, ये अगर आप हेल्थ टिप्स ये सब बना रहे हैं तो ये बहुत अच्छा है. यहाँ आप देख सकते हैं ग्रिड वर्जन मोड भी चेंज कर सकते हैं, उसमें भी कर सकते थे, इसमें भी कर सकते हैं. और ये फ़ोन में तो ऑसम लुक है यार, मतलब जो भी डिज़ाइन किया होगा ना, अमेजिंग. जस्ट सी दिस. ठीक है, अभी हम लोग एक और देखेंगे, उसको चलाने में तो आपको भी मज़ा आ जाएगा, ठीक है. तो ये है एक और थीम, मैं इसको आईफोन में रखता हूँ. असली में आईफोन नहीं है तो क्या हुआ, क्रोम में तो आईफोन यूज़ कर सकते हैं ना. तो हाँ, नेक्स्ट चलते हैं. ये इसका भी लिंक डाल देता हूँ, आप लोग ज़रूर चेकआउट करना. और डाउनलोड का ऑप्शन है ना, जस्ट मीडिया फायर का लिंक है, सो कॉपी कर लेता हूँ, लिंक पेस्ट कर देता हूँ फिर उसका. और ये तो डाउनलोड लिंक हो गया, और इसका नाम कॉपी. हाँ, तो होप करता हूँ आपको अभी तक का मज़ा आ गया होगा, बट वेट करना, अभी भी जाना मत. मैं आपको एक बेस्ट थीम दिखाने ही वाला हूँ, ठीक है, मतलब आपका भी वीडियो में इतना देर टिकना वर्थ हो जाएगा, आई कैन गारंटी यू. ठीक है, नेक्स्ट थीम है, ये वाले को भी हम लोग विजिट करेंगे पहले. इसका नाम क्या है, गूम साइट इजान नाबिल AMP ब्लॉगर टेम्पलेट. नाम तो अच्छा रखो यार, नाम नहीं पता बट देख सकते हो साइट जोरदार है, झकास वेबसाइट है यार, कितना क्लीन UI है, तुम लोग खुद देखो यार, मज़ा आ जाएगा. आई गेस ये क्या रहा, सही तो खोले ना हम लोग. यहाँ तो दूसरी वेबसाइट्स के डेमो है शायद, ये खुद ही एक वेबसाइट है. खैर जो भी है, आप देख सकते हो, अगर आप ब्लॉगर टेम्पलेट बनाना चाह रहे हो, यू कैन सेल योर ब्लॉगर टेम्पलेट ऑन दिस UI, सॉरी दिस थीम. अगर आप भी ऐसा थीम वीम लगाएंगे और कुछ सेल करना चाहते हैं तो जस्ट डू इट, व्हाट आर यू वेटिंग. नाउ ये है, किसी को अगर ब्लॉगर में अपना थीम वगैरह सेल करना है या फ्री में थीम बांटना है, तो ये एक अच्छा थीम है. अब आते हैं हमारे फाइनल थीम की ओर, विच इज़ वन ऑफ द बेस्ट थीम दैट आई लव पर्सनली. इसको पहले पेस्ट कर देता हूँ. 7. तो तैयार हैं आप लोग, दिस इज द थीम विच आई लव द मोस्ट. नाउ जस्ट गो टू द लाइव डेमो. यहाँ आप देख सकते हैं, मतलब मज़ा आ जाता है यार इस थीम को देखते ही, ठीक है. और जस्ट यू कैन टैप इन लिस्ट व्यू, ग्रिड व्यू, जो जागो डिज़ाइन ने बनाया है बेस्ट है यार. इससे अच्छा UI तो मैं भी नहीं प्रेफर, इससे अच्छा UI मिलना बहुत मुश्किल होता है. अब यहाँ मोबाइल में आप देख सकते हैं, एक नेव बार में मिलता है, इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए अपने ब्लॉग में. गो एंड डाउनलोड दिस. ये पर्सनल ब्लॉग के लिए मैं रिकमेंड करूँगा. इसकी जो क्या बोलेंगे हम लोग, सर्च स्पीड है, या सर्च स्पीड नहीं बोलते है. क्या बोलते हैं सर, क्या बोलते हैं, व्हाट इज दैट वर्ड, सर्च कंसोल में जो है, आप जब
एक नया ब्लॉग लिख के इंडेक्स करते हैं, तो इंडेक्स स्पीड जो होती है वो बहुत अच्छी होती है इस टेम्पलेट की। ठीक है, मैंने पर्सनली इसको यूज़ किया है, डार्क मोड भी है, यहाँ नीचे नैव बार भी है, अमेजिंग, जस्ट एन अमेजिंग। देख सकते हैं क्या एनिमेशन है यार, बैक टू टॉप जाना है, जस्ट यहाँ बटन, डार्क मोड, बेस्ट थीम ब्रो, बेस्ट बेस्ट। इसकी भी हम लोग लिंक निकाल लेंगे, यहाँ पर चार पांच लिंक क्यों है। तो इसमें चार पांच लिंक है, लेट मी चेक आउट। चले मैं आपको इसी की लिंक दे देता हूँ। आपको इसमें चार, तीन चार हैं वर्जन्स इसमें भी, मेरे को पता है उसमें डिफरेंस क्या क्या है, मैं आपको अब यहीं दिखा देता हूँ। मेरे को मैंने यूज़ किए हुए हैं इसलिए, यहाँ तीन कॉलम है ना, तो किसी एक में दो कॉलम है, ठीक है, एक में साइट मैप का पेज है, एक में कॉन्टैक्ट पेज है, तो ये सब अलग अलग है। मैं आपको इसी की लिंक डाल देता हूँ। तो ये हैं हमारे मॉडर्न यूआई थीम्स दैट आर दैट कैन बी यूज्ड ऑन ब्लॉगर। मज़ा आ गया मेरे को ये वीडियो बना के। आप यहाँ आए हैं, आपको अगर कोई थीम पसंद आई है कमेंट में बस लिख दीजिए, ताकि दूसरे जो हैं वो आपके थीम को प्रेफर करें, या आपके पास कोई इससे अच्छी थीम है ज़रूर उसको कमेंट बॉक्स में डाल दें, ठीक है। और दैट्स इट फॉर द वीडियो। अगर आपको और ऐसे वीडियोस चाहिए फ्यूचर्स में, तो हिट सब्सक्राइब, लाइक दिस वीडियो, एंड मिलते हैं अगली वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय।